नमस्कार, प्राइम न्यूज 24 में आपका स्वागत है। मैं हूँ शिवानी शुक्ला। एटा में हो सकता था दूसरा विक्रू हत्याकांड, पुलिस के सूझबूझ से टला बड़ा हादसा। 21 दिसंबर को अधिवक्ता राजेंद्र शर्मा और उनके परिवार के द्वारा एसडीएम और सीओ के साथ पुलिस टीम के ऊपर किया गया जमकर फायरिंग और पथराव। एक अरबाज नाम के राहगीर को लगी थी गोली। फायरिंग और पथराव के वीडियो हुए सोशल मीडिया पर वायरल। 21 दिसंबर को एटा पुलिस की सक्रियता ने जान पर खेलकर एक बड़ा हादसा होने से बचाया। कई पुलिस कर्मी और सिविलियन की जान भी बचाई। एक मकान स्वामित्व को लेकर दो अधिवक्ता के बीच चल रहा था जमीनी विवाद। न्यायालय का मकान पर यथास्थिति का स्टे का आदेश, अधिवक्ता द्वारा किया जा रहा था अवैध कब्जा। दूसरे पक्ष की शिकायत के बाद पुलिस पहुंची थी न्यायालय के आदेश का पालन कराने। एसएसपी एटा ने निष्पक्ष जांच कराते हुए कार्यवाही का दिया भरोसा। एटा के थाना कोतवाली नगर क्षेत्र के कटरा मोहल्ला में हुई थी घटना। विकास दुबे, प्राइम न्यूज 24 की रिपोर्ट। पुलिस देखो न्याय लेकर रह गई है मैं। अब मंदिर चुप रहो, चुप शांत हो जाओ। गई वो अरे मेरे बेटा, घुस गए सामान निकाल, फेंक रहे आराम ही ले रहा।